नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अवस्थी जाति का सवाल है, संसद से सड़क तक बवाल है। जाति और राजनीति का गठजोड़ सत्ता हासिल करने में हमेशा मदद करता है और इसी जाति प्रथा के सहारे नेता सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचते हैं। कभी जातीय जनगणना की बात तो कभी जातियों का वोट बैंक देखकर टिकट वितरण। जनता भले ही अपनी जाति बता दे, लेकिन अगर किसी नेता की आपने जाति पूछ ली तो समझ लीजिए आपने उसको गाली दे दी। इन दिनों संसद से सड़क तक जाति पर ही घमासान छिड़ा है। संसद में जाति का नाम लेने पर हंगामा हो गया, बात विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तक पहुंच गई। और ये बात दीगर है कि जो नेता आज हंगामा कर रहे हैं वही जाति पूछते नजर आ जाएंगे। एक दौर वो भी था, जाति गिनने से देश की एकता को खतरा पैदा होता था। तो सवाल यही है कि जाति की सियासत किसकी आदत, और जाति है कि जाति क्यों नहीं है। जब जाति पर जात पर न पात पर और वोट पड़ेगा हाथ पर जैसे नारे दिए जाते रहे हैं, तो फिर अब जाति पर क्यों जंग हो रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। तो उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। जाति पर जंग, बेहद खास मुद्दा। चली चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी है, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी है, चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। स्वागत है प्रदीप जी आपका। और साथ ही मिथिलेश जामनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। शुरुआत करते लक्ष्मीकांत जी आपसे ही, क्योंकि जाति की बात की जा रही है, जाति पर जंग देखने को मिलती है। सवाल ये कि जाति पर महाभारत क्यों हो रही है। जाति जनगणना की बात की जाती है, बिना जाति पूछे क्या जनगणना हो जाएगी। जाति को लेकर मुद्दा बनता है चुनावों में, हर जगह सही है, लेकिन जाति पूछने पर यह महाभारत क्यों हुई। देखिए, देश में एक ऐसा नेता है श्वेता जी जो पिछले 4-6 सालों से देश के विभाजन की आस लगाए बैठा है। उसके पूर्वजों का भी एक इतिहास है जिन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए देश का विभाजन करवाया था, 10 लाख से ज्यादा लोगों के सर कटवा दिए थे। उनके पूर्वजों का यह भी इतिहास है कि सत्ता में बने रहने के लिए देश के संविधान को कुचलकर, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को कुचलकर देश में आपातकाल लगा दिया था। उनके पूर्वजों का इतिहास है कि एक गरीब, एक बेवा जिसको न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 61 रुपए मासिक भत्ता देने का आदेश जारी किया था तलाक के बाद, उसको भी फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी संसद में बदलने का काम उनके पूर्वजों ने संविधान में संशोधन करके कर दिया था। ये उनके पूर्वजों की विरासत है जिसको वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको ध्यान होगा श्वेता जी कि आप तो स्वयं पत्रकार हैं और पत्रकार साथी आपके आसपास रहते हैं, आपको ध्यान होगा कि इंडी गठबंधन के राहुल गांधी हो या दूसरे नेता हो, जब किसी पत्रकार वार्ता में जाते हैं तो सबसे पहले सवाल करते हैं, तू कौन जात पत्रकार है भाई, तेरी जाति क्या है। अगर तूने मुझसे कठिन सवाल पूछ लिया जो मेरे ट्यूटर ने मुझे पढ़ाकर नहीं भेजा, उसका जवाब मुझे आता नहीं, तो जाति पूछ लेते तू किस जाति का है भाई। आज जब उनको उनकी जाति पूछ ली गई तो उनको लगता है कि उनको गाली दे दी गई। अगर यही गाली है तो पिछले 6 साल से वो देश के बच्चे बच्चे को गाली दे रहे हैं। देश के बच्चे बच्चे से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, इंडी गठबंधन के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जो लोग देश के बच्चे बच्चे को जाति के नाम पर गाली देते हैं, उसकी जाति पूछते हैं, उनका बिना नाम लिए अगर संसद में किसी ने यह पूछ लिया कि जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, तो कहता है कि मुझे गाली दे दी, ये गाली कैसे हुई। आप मुझसे मेरी जाति पूछिए, मैं बड़ा गर्व से बताऊंगा मैं किस जाति का हूं। किसी और जाति के व्यक्ति से उसकी जाति पूछिए, बड़े गर्व से बताएंगे। आप मेरे खानदान का इतिहास पूछेंगे, मैं बता दूंगा मेरे पिता का नाम सावर भारद्वाज, मेरे दादा का नाम राम प्रताप भारद्वाज। लेकिन जिनके इन नामों में कॉम्बिनेशन नहीं है, जिनके नामों की टैली ठीक ठीक नहीं बैठती, सरनेम की टैली ठीक ठीक नहीं बैठती, उनको इस तरह की आपत्तियां लगती है। जब वो खुद दूसरों के बारे में कर रहे होते हैं तब उनको पता नहीं होता है। देश को जाति के नाम पर विभाजित करने का षड्यंत्र जो राहुल गांधी करके आए हैं और जो इनके पूर्वजों ने किया है वो आज जनता के सामने है। अब देखिए, इनके परिवार का भी दूसरा इतिहास भी है। ये वोट की राजनीति करने के लिए जातियों को बांटना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के पूर्वज जिनके शब्द हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो आरक्षण को बकवास बताया करते थे। जो दूसरी प्रधानमंत्री थी वो भी आरक्षण के खिलाफ थी, और जो तीसरे प्रधानमंत्री इनके पिताजी थे वो तो आरक्षण मांगने वालों को बुद्ध बताया करते थे। तो आज इनको एक ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया
कि ये इन सब लोगों के हितैषी बन गए, लेकिन बात हितैषी बनने के लिए बात वोट की है। पिछले तीन चुनावों में जनता ने इनको इनके तरीके से समझाने का काम किया, पिछले तीन चुनावों में मिलाकर इनकी 200 सीट नहीं आ पाई, तो आज इनको लगता है कि जनता को आपस में लड़ाकर जाति के नाम पर लड़ाकर हम वोट ले लेंगे। जब दूसरों की जाति पूछेंगे तब तो बड़ा टेबल ठोक ठोक के पूछेंगे, जब कोई उनसे उनकी जाति पूछ लेगा तो उनको गाली लगेगी। तो गाली इसलिए लगेगी भाई साहब क्योंकि आपको खुद लगता है कि आपकी जाति का पता नहीं है कि आप किस जाति के हो, आप ईसाई हो, आप पारसी हो या ब्राह्मण हो। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी ने अपनी बात रखी और सवाल मेरा वही आपसे भी रहेगा डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कि आखिर जाति पर महाभारत क्यों, संसद में यह हंगामा क्यों हुआ जाति पर, कि स्थिति यहां तक आ गई। श्वेता, इस देश 1947 आजाद हुआ है और उसके बाद करीब 16-17 प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या इन 10 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपनी जात का बखान किया? आज वर्तमान में जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, मैं ओबीसी हूं, उपराष्ट्रपति कहता है मैं जाट हूं, यूपी का चीफ मिनिस्टर कहता है मैं छतरी हूं, ये खुद अपने आप जिस तरह जातिवाद का बखान कर करके जिस तरह की बात करनी बात करते हैं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये आप जाके उपराष्ट्रपति सवाल ये है कि आपने देश को दो वर्गों में बांटने की जो बात की है, आपने हिंदू की बात की, आपने मुसलमानों को अलग करने की बात की, सवाल है समाज का वर्गीकरण तो आपने किया, आप बहुतायत में हिंदुओं को बात करके जो करना चाहते हो, सर्व समाज की बात तो नहीं करती आपकी पार्टी, प्रधानमंत्री की बात नहीं करते, सारे जितने अन्य वहीकर सेक्शन से आज देश में 90 अफसर प्रधानमंत्री कार्यालय चला रहे हैं, उसमें से राहुल गांधी साफ साफ बता रहे हैं कि उन 90 में 3 ओबीसी हैं सिर्फ, और बात दलितों ही करते हैं, बात कमजोर को करते हैं। तो सवाल है कि अच्छा इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी यही बात ये है। ये तो फिर एक नई सुनिए सुनिए, जिन जाति का अपनी सामर्थ्य है, जिन जातियों की अपनी संख्या है, उन पर उनको हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात करने की बात है, ये सामाजिक उत्पन्न की बात हो रही है। हम सामाजिकता को लाना चाहते हैं, संविधान मात से ये बात करना चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को उनका उचित राजनीति मिले, उनकी हिस्सेदारी हो, तो इसमें क्या क्या गलत हो सकता है? चलिए ठीक है, आपने एक मिनट एक जवाब दस सेकंड देता हूँ जवाब। आपने कहा कि जो सेक्रेटरी लगे हुए हैं जिनमें से 90% में से ओबीसी एससी एसटी एबीसी के नहीं है, इनकी थोड़ी समझ कम है राहुल गांधी जी की। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था जिसको 10 साल तक रोक के रखा हुआ था इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने, वो 1990 90% तक हमारे यहाँ सेक्रेटरी नहीं है। देखिए 6 प्रधानमंत्रियों का नाम लेता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, ये 6 प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने देश को दिए। एक भी एससी एसटी ओबीसी हो तो बताइए, जिनको 6 प्रधानमंत्री देने का अवसर मिला और 6 में से एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं किया, वो एससी एसटी की बात कर रहे हैं, ये गलत कार्य कर रहे हैं, ये हत्या है, गलत कार्य कर रहे हैं, आप देश को मूर्ख बनाने जाते हो, ये देश के एक मिनट शांत हो जाइए मिथिलेश जी, दो बातें जरूर समझ। एक तो ये जो उन्होंने सवाल उठाया, सबसे पहली बात ये कि कब से ऐसा होने लगा कि प्रधानमंत्री या किसी भी पद के लिए हम जाति देख के उस पद के लिए लोग को चुनेंगे, या फिर जो उस काबिल है जो उसके लिए वो उस जगह पर जाएगा फिर वो किसी भी जाति से हो, क्या हम जाति को प्राथमिकता देंगे? दूसरी बात, अभी जो इन्होंने कहा प्रदीप जी ने कि प्रधानमंत्री कार्यालय में इस जाति के इतने हैं, ऑफिसर्स में भी अगर होगा तो हम भी यहाँ फर्स्ट इंडिया चैनल में देखेंगे कौन किस जाति का है, कितने लोग हैं नहीं, तो ये क्या एक मिनट प्रदीप जी और दलित अभी मैं सवाल कर रही हूँ, आप रुकिए, आपसे जवाब है नहीं, आपसे
बस ये मेरा दावा है। बस ठीक है, आपने अपनी बात रखी मिथिलेश जी, दोनों चीजों का जवाब, क्योंकि ऐसे तो संस्थाएं अलग अलग होगी, हम भी ये काउंट करने लगे कि हमारे यहाँ ऑफिस में कौन किस जाति का है, कौन कितना नहीं और कौन सी जाति का नहीं है, तो उस पर लेकर आप सवाल करो कि फर्स्ट इंडिया में तो जानबूझ कर इस जाति के लोग को नहीं रखा गया। यहाँ तो काम और टैलेंट है, जो जिस काम में परफेक्ट है वो वहां पर है। नहीं, चलिए ठीक है मिथिलेश जी, इसी पर जवाब प्रदीप जी, एक सेकेंड, मुझे जवाब नहीं, मुझे जवाब नहीं दीजिए, बस प्रदीप जी, बस हो गया, चिल्लाने से देखिए बात चर्चा नहीं होती, चिल्लाने से चर्चा नहीं होती मिथिलेश जी जवाब, मिथिलेश जी मेरे सवाल का जवाब, मिथिलेश जी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे इस देश में जाति को लेकर सह और मात का खेल चल रहा है। अगर कोई मुख्यमंत्री एक आदेश देता है कि आप अपनी दुकान के आगे नाम लिख दीजिए, जाति का नाम लिख दीजिए, धर्म का नाम लिख दीजिए, तो कांग्रेस के बयान देते हैं कि बांटने वाला सही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कर्नाटक में इनकी सरकार है और 1.25 साल के लगभग हो गए, वो रिपोर्ट आई हुई है, आप उसको सदन के पटल पर क्यों नहीं लाते। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस देश में कास्ट CASTE और CASTE किसने लिखा, ये अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी, क्योंकि रिलीजन पंथ और कास्ट एक होता है। कास्ट और रिलीजन की जो डेफिनेशन दी है वो है कि ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोल बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो एक रूल है लेकिन उसको डिवाइड किया अंग्रेजों ने। और सेकुलर वर्ड कहां से आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकुलर वर्ड किसने दिया, ये रोम से आया, और उसमें यह था कि जब पोप हुआ करता था वो धर्म भी संभालता था और स्टेट भी संभालता था, जब स्टेट का प्रेशर बढ़ा तो उसने कहा कि स्टेट को अलग कर दीजिए और धर्म को अलग कर दीजिए, सेकुलरिज्म वर्ड। और ये सेकुलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ये लाया गया बाहर से, जो धर्म निरपेक्ष पहले के लोग लिखते थे वो गलत था, वो पंथ निरपेक्ष था। और पंथ में हमारे यहां साफ है, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्रह्मा को मानता हूं, एक पर्टिकुलर मैन को एक फॉलोवर है, इस्लाम है एक बार जो मोहम्मद साहब को मानते हैं इस्लाम, ईसा मसीह को मानते हैं ईशा, अगर जंबो जी के 20 और 9 को नियम को मानते हैं विष्णुई, ये चीज है। अगर अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया कि आप अपनी जाति बता दीजिए तो कौन सा गुनाह कर दिया, ये तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है कि मैं इसका फॉलोवर हूं। बिल्कुल, अगर कोई यादव है तो कहता मैं भगवान कृष्ण का फॉलोवर हूं, इसमें कौन सी बुराई है। अगर कोई मीना है तो कहता मैं भगवान मीन का हूं, अगर कोई गुजर है तो वो कहता मैं देवनारायण जी का हूं, अगर कोई जाट है तो वो कहता मैं तेजा जी का हूं, अगर कोई धाकड़ है तो कहता मैं धरणीधर जी का हूं, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको करना तो है नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने रोक लगाई थी जाति की जनगणना पे, उसका जवाब क्यों नहीं देते, फिर आपकी सरकारें रही 2013 में आप कर लेते, किसने रोका था आप। प्रदीप जी, आपके हाथ में तो सत्ता थी, किस बात का जनगणना होती रही है, कब हुई जाति जनगणना, कब हुई जाति जनगणना, जवाब के आधार पर राष्ट्र की योजनाएं बनाई जाती है, प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाते हैं, जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना की। बेटा जी, ये जो आज सदन में, आज जो सदन में जो ये विवाद चल रहा है, ये देश में जातीय विद्रोह फैलाने का, अगर किसी जाति का अगर 65% है और आप 12% वाले और आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपकी गाड़ी छीन लेंगे, क्योंकि हम 65% वाले, हमारा हक है। राहुल गांधी का एक बयान होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या इस देश को इस देश में ले जाने जा रहे हैं, क्या गलत है, अगर भागीदारी बात, अगर हिस्सा है तो नहीं मांगेंगे, इस देश में जिस संविधान की बात करते हो प्रदीप जी, पूरा समाज आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए, लेकिन प्रदीप जी सुनिए, जिस संविधान को लेकर राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, प्रदीप जी आर्टिकल 25 में साफ लिख रखा है, क्या क्या राहुल, अच्छा सुनिए राहुल गांधी, 25 में जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं उसमें स्पष्ट पहले लाइन में लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए जाति धर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिस संविधान को लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं आज, उसी संविधान पर चोट करना चाहते हैं, जाति के संविधान की बात आप कर रहे हैं, अच्छा। संविधान को लेकर कि वो अपनी बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है ना, ठीक है, एक मिनट पीछे प्रदीप जी, कॉपी दिखा रहे हैं प्रदीप जी, आप सवालों का भी जवाब देंगे, आप सवालों का जवाब देंगे, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि ठीक है राहुल गांधी
अखिलेश यादव ने भी यहाँ संसद के अंदर बोला, लेकिन क्या संसद के बाहर कभी उन्होंने जाति नहीं पूछी किसी से? सवाल इस बात का नहीं है। नहीं सवाल आप सवाल क्यों मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल है अधिकारों का नहीं है। और बाहर पूछ सकते हैं, जनरल बात करते हैं, बाहर पूछ सकते हैं, बाहर पूछ सकते हैं। जब नेताओं के द्वारा समाज को बांटने की बात की जाती है तो जाति अपना सिर्फ देख रही है क्योंकि उनको राजनीति टूल बना रही है। बात बताइए ना, ऐसे ऐसे नहीं सुनिए, चलिए ठीक है, लेकिन लेकिन प्रदीप जी बात सुनिए। नहीं नहीं आपके हिसाब से जनता तय नहीं करेगी ना, आपके हिसाब से जनता नहीं। नहीं मेरी बात सुनिए एक मिनट, सुनिए, चलिए ठीक है। आप ही के नेता, आपके राहुल गांधी, आपके अखिलेश यादव संसद में जिस तरह से बात रखते हैं जैसे कि गुनाह हो गया जाति पूछ ली, और संसद के बाहर खुद जाति पूछ रहे। वीडियो में चाहूंगी कि पीसीआर टीवी मेरी वीडियो प्ले करे, जरा ये भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ? हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार। नाम क्या है इनका पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। नाम क्या है इनका पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। इस पर मैं जवाब लक्ष्मी एक एक इस पर कमेंट दीजिए प्रदीप जी। जी मेरा कहना ये संवाद है, ये व्यक्तिगत संवाद है। अच्छा व्यक्तिगत संवाद में बातें हो सकती हैं, हाँ। लेकिन राजनीतिक पटल पर संसद में बात नहीं हो सकती है। बात उसी की हो रही है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे माफी नहीं चाहिए। ठीक है देखिए लक्ष्मीकांत जी, देखिए क्या है कि संवाद में हम बात कर सकते हैं लेकिन हम संसद में नहीं पूछ सकते। देश की जनता बहुत समझदार है और इनका चरित्र बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए तो तीन लोकसभा के चुनाव लड़े जिनके पिताजी 404 सीटें लेकर आए थे लोकसभा में। वो तीन चुनाव मिलाकर भी 200 सीटें नहीं ले पाए क्योंकि इनके इस आचरण को देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण 1984 में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारी तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आप और हम तो शायद हो सकता है उस वक्त जन्मे भी ना हो, लेकिन आप जो हमें इतिहास में बताया जाता है कि उनकी जब चिता भी नहीं जली थी उसके पहले उनके पुत्र राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई थी। कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं मिला आपको उस वक्त? आपकी कांग्रेस पार्टी में कोई नेता नहीं था? आपने कैसे राजतंत्र को लागू करते हुए एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई और उसके पुत्र को उस गद्दी पर बिठा दिया? कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं मिला था आपको? ये जो ढोंग करते हो ना आज आप, ये ढोंग देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। फैसले होते हैं सबसे पार्टी के फैसले आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि इनको एससी एसटी ओबीसी नहीं मिला उस वक्त। ये कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री बनाने हमारे परिवार की बात आएगी और जब खुद को जीतना तय होगा 20 साल माता जी अध्यक्ष रहेंगी तो चुनाव परिवार का लोग लड़ेंगे या वो व्यक्ति लड़ेगा जो परिवार की इच्छा के अनुसार यहाँ पर चलता रहे। जब देश में हार की बात आएगी तब एससी एसटी ओबीसी को आगे कर देंगे और जब जीत की बात आएगी गद्दी की बात आएगी तो खुद लेने वहां पर पहुंच जाएंगे। ये जो तरीका है ना इनका जानते और इसीलिए आज सबक सिखा रही है इनको। ठीक है मिथिलेश जी, आज के वक्त में जाति को क्या माना जाए? क्या वाकई में जाति मुद्दा है या अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जाति जाति करने लगो, जहां आपको जरूरत नहीं है वहां आपको जाति से कोई मतलब नहीं है? क्या जाति के आधार पर ही अब देश चलेगा, जाति के आधार पर संस्थान चलेंगे, जाति के आधार पर ही अब लोगों का चयन होगा? ये देश के लिए खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाली राजनीति शुरू हो चुकी है और कहीं कहीं हम आजादी के 77 साल बाद कबीलाई संस्कृति की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमने इसी तरह इस जातिगत विखंडना को मजबूती देकर राजनीति की फसल काटने की कोशिश की तो वो दिन भी आपको यहाँ चर्चा करने को मिलेगा कि इस देश में गृह युद्ध छिड़ गया है।
इसलिए इसको बचाना जरूरी है। आप ये देखिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे भारत के संविधान में आज तक ये रूल नहीं है कि करीना कपूर ने अगर सैफ अली से शादी कर ली तो तैमूर की जाति कैसे निर्धारित होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। प्रदीप जी या लक्ष्मीकांत जी बता दे कि आज तक हमारे संविधान में ये चीज नहीं लिखी गई, तो जो हाइब्रिड मैरिज हो रही है उनकी जातियां कैसे निर्धारित करोगे? नहीं तो लेकिन आपने करीना कपूर सैफ अली का उदाहरण दिया, इन्हीं का दे देते। देखिए जो इतिहास का दे देते, जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इनके इतिहास में चीजें मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके दादा किसी और धर्म के, आपकी दादी किसी और धर्म की, आपकी जाति बताना पड़ेगा भाई। इनका गांधी फैमिली का नाम ये विलान की राजनीति नहीं होती। गांधी फैमिली का नाम ये विलान की राजनीति नहीं होती पड़ेगी। और गांधी फैमिली का प्रत्यक्ष चुनाव जीता है, देश की लोकतांत्रिक परंपरा, चुनाव जीतकर वो पार्टी में आए हैं। ये कहना गलत है। ठीक है, और राजीव गांधी के टाइम में 400 सांसद थे कांग्रेस के। ठीक है, वो वक्त भी था, वो दौर भी था। ठीक है, वो दौर भी था। ठीक है, फिरोज खान जो फिरोज गांधी बने, उनका जो उनकी अंतिम संस्कार हुए वो कैसे हुए? कब्र में दफना के हुए। तो ये जो चीज है, आप उस चीज को कैसे नकार देंगे? अगर उससे आते हैं तो फिर आपने अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे बताया? ये भी पूछा जाएगा। आपने जाति बताई ना। अगर आप दादी के गोत्र को मानते हैं तो फिर माँ के गोत्र को क्यों नहीं मानते? तो इम्पोर्टेंट चीज है, तो चाहे क्रिश्चियनिटी है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अगर जाति आप सबकी पूछना चाहते हैं, जाति का जनगणना करना था, सबसे पहले अपनी जाति बता दीजिए, इसमें क्या बुराई है? अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे गर्व है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हूं, जो भी मेरे लिए मेरे गर्व के लिए कहा गया है तो मैं कह रहा हूं ना। तो आपको अगर संसद में अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया तो क्या गुनाह किया? ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये बताइए। अब आप कह रहे हैं कि हमारी शहादत जाति है। शहादत कोई जाति नहीं होती जनाब, शहादत सम्मान होता है। अगर राहुल गांधी के पिता ने या दादी ने इस देश के लिए शहादत दी है तो देश के 140 करोड़ लोग उनका सम्मान करते हैं, उसको जाति नहीं बता सकते आप। लक्ष्मीकांत जी, क्लास कमेंट वक्त हो रहा है। नहीं देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो मंशा है वो देश विरोधी मंशा है, और वो देश में जिस बात का जिक्र ये आपका मिथिलेश जी कर रहे हैं, वो देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं, जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इस परिवार का अपना एक इतिहास है इस तरीके का, 5000 सिखों का किस तरह कत्लेआम हुआ था, किस तरह इमरजेंसी में यातनाएं दी थी, किस तरह देश का विभाजन करके सत्ता में लेकर आए थे। राहुल गांधी उस परंपरा को निभा रहे हैं, राहुल गांधी उस परंपरा को निभा रहे हैं, परिवार की परंपरा को राहुल गांधी निभा रहे हैं। देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए, प्रदीप जी, मिथिलेश जी और लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया। देखिए बेहद अहम है, जाति पर जंग हो रही है संसद के अंदर, संसद के बाहर आप जातियां पूछ रहे हो, हर एक से जाति पूछकर सवाल करते हो और जाति के आधार पर जवाब देते हो। आप जातीय जनगणना की बात करते हो लेकिन बिना गिने बिना पूछे कैसे पता चलेगा कि कौन किस जाति का है, और जाति बताने में या पूछने में बुराई कैसी? गर्व की अनुभूति होती कोई किसी भी, आप कभी हिंदू मुस्लिम करने लगते हो, कभी आप जाति की बात करने लगते हो, क्या महज राजनीति, अपनी राजनीति के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने मुद्दे यहां पर दिखाने के लिए कि आप जाति को मुद्दा बनाकर रख दोगे और अपने फायदे के लिए आप ये कर रहे हो? तो देश की जनता भी बेवकूफ नहीं है, वो समझती है, हर जाति हर समाज का व्यक्ति समझता है कि हम मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा निभाते हैं तो उसी में शांति है पूरे देश में। वरना हर जाति अगर आमने सामने हो जाएगी तो उस दिन को आप सोच कर देखिए कि स्थिति क्या होगी। और ऐसे हालात ना तो राजनीति में होने चाहिए, ना देश में होने चाहिए, ना किसी गली मोहल्ले में होने चाहिए। और इसलिए जाति पर महाभारत की जरूरत नहीं है। आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो बिल्कुल कराइए, आगे सब साथ आइए, लेकिन सब निर्णय लेकर करिए ना। सिर्फ जाति को मुद्दा बनाकर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए मत करिए, क्योंकि आज जो इसके पक्षधर है कल उसके विरोधी भी रहे हैं और इतिहास इसका गवाह भी है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।